सामने दिस फॉर फॉर्म यूजूज और आज इंग्लिश के से उसी को कंटिन्यू करते हैं जो कल लेक्चर दिया था ठीक है तो आज है कंकॉर्ड मिस्टेक्स ना हमारे पास इसमें कंकॉर्ड को हारमोनी अग्रीमेंट सिंकनाइजेशन ये से रिलेटेड है कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तीन वर्ड मैंने लिखे हुए कि हैं कि कंकॉर्ड किसे कहते हैं खैर आगे कुछ सेंटेंस लिखे हैं कि मैन एंड वुमेन आर प्लेइंग देयर रोल फॉर देयर कंट्री यू एंड ही हैव डन देयर वर्क द लीडर एंड द स्टेट्स मैन हैव अराइव आ ब्लैक एंड आर वाइट कैट वाइटिंग अच्छा आगे इसका रूल है वन टू डिफरेंट नाउन्स आर डिफरेंट नाउंस विद डिफरेंट आर्टिकल्स बट हैव आर्टिकल्स ठीक है आर ज्वाइंट बाई एंड देन दे आर कंसिडर्ड प्लोर क्या मतलब है इसका कि देखिए इधर है मैन एंड वुमेन आर प्लेइंग ठीक है अगर तो होता मैन के साथ भी देखें आर्टिकल कोई नहीं है वुमेन के साथ भी आर्टिकल कोई नहीं है तो जब दो सब्जेक्ट्स हैं एंड के साथ ज्वाइन है और उनके साथ आर्टिकल नहीं लगा तो वो क्या लग जाएगा आर ठीक है और अगर आ, आर क्यों आया कि प्लुरल है ठीक है ना इसके साथ आर्टिकल लगा है ना इसके साथ आर्टिकल लगा है अच्छा अगर आर्टिकल हो जैसे द आर्टिकल है ठीक है अच्छा द लीडर एंड द स्टेट्समैन जब दोनों के साथ आर्टिकल आ रहा है ठीक है और एंड के साथ ज्वाइन है दो सब्जेक्ट तब भी प्लुरल ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हाँ अगर आ जाए द लीडर एंड स्टेट्समैन द रिमूव हो जाए ठीक है तो आ जाएगा इधर हैज़ इधर क्या आ जाएगा हैज़ क्यों अब द लीडर एंड स्टेट्समैन ठीक है ये एक बंदे की ही खूबी बताई जा रही है जब आ जाएगा द लीडर एंड द स्टेट्समैन अब यानी एक ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कहने का मकसद ये है कि जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन है आपस में एक ये सब्जेक्ट एक ये सब्जेक्ट अगर तो दोनों के साथ आर्टिकल आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लुरल आएगा ठीक है अगर अब देखें अब एक के साथ आर्टिकल आ रहा है एक के साथ आर्टिकल नहीं आ रहा तो अब हम इस पूरे को द लीडर एंड स्टेट्समैन तक को ठीक है दा नहीं आ रहा है ठीक है इधर दा आ रहा है इधर आर्टिकल आ रहा है अगले में आर्टिकल नहीं आ रहा तो अब ये पूरा एक सब्जेक्ट है द लीडर एंड स्टेट्समैन एक बंदे की बात हो रही है तो आगे इधर क्या आएगा हैज आ जाएगा बात समझ आ गई है होप्सो आगे होगी अच्छा आगे देखें अब ब्लैक एंड अ वाइट कैट इधर भी आर्टिकल आ गया इधर भी आर्टिकल आ गया ठीक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा प्ल आएगा अगर होता अ ब्लैक एंड वाइट कैट यानी ब्लैक एंड वाइट कैट एक ही कैट की बात हो रही है तो इधर आ जाना था वाज फाइटिंग ठीक हो गया दोबारा चलते हैं कि यहां तो दोनों के साथ आर्टिकल ना लगा हो तो वो दोनों क्या है प्लोरल है अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा है तो फिर भी क्या है प्लूरल है अगर एक के साथ आर्टिकल लगा है और आगे वाले के साथ आर्टिकल नहीं है तो ये पूरा क्या है एक ही सब्जेक्ट है और आगे क्या आएगा सिंगुलर हेल्पिंग आएगा हैव नहीं आएगा हैज आएगा वाज आएगा ठीक है ए, वो जितने भी सिंगुलर हैं इज आएगा ठीक हो गया अच्छा एटसेट्रा अच्छा आगे चलते हैं मैं पहले भी बताया था कि जो पुलिस है कलर्जी है वर्मन है पोल्ट्री है इन्हें हमने क्या कंसीडर करना प्लुअल आना है वर्मन नहीं इनका लिखेंगे क्यों क्योंकि वर्मन पहले ही क्या है प्लुअल है पोल्ट्रीज नहीं हम लिखेंगे क्योंकि पोल्ट्री पहले ही क्या है प्लूरल है क्लर्जीज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कलर्जी पहले ही क्या है प्लूरल है ठीक हो गया इनके साथ इनकी प्लूरल बनाने के लिए इनके ऐसा एस ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि पहले ही क्या है प्लूरल है अच्छा आगे आ जाए द पुअल जब किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का इजाफा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है अगर मैं कहूँ दुअर ठीक है तो इसके साथ अब मैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा वल आर हैव ठीक है इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ग नहीं आएगा द पुअर वर डाइंग ठीक है द पुअर डाइंग गलत होगा क्योंकि एक बंदे की बात नहीं है यहाँ द पुअर का मतलब है कि तमाम जितने भी वो हैं ना कम्युनिटी को एक किस्म का जाहिर किया गया है ठीक हो गया आगे चलते हैं अच्छा इधर है कि वेन यूज एडजेक्टिव एज अ नाउन देन यूज द बिफोर इट इफ इन प्लर फॉर्म अदरवाइज फॉर सिंगलर यूज़ ए आर एन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर पुअर है ठीक है ये एजिक्टिव है ठीक है लाइक like हम कहते हैं पुअर मैन तो मैन इसमें क्या है नाउन है और पुअर क्या है इसमें एजिक्टिव है तो एजिकटिव के से पहले यानी अगर हम सिंपल एजिक्टिव यूज करें रिच पुअर ठीक है इनसे पहले हम क्या करें एक आर्टिकल यूज करें कौन सा द लाइक like मैं लिखूँ दा पुअर मैन नहीं सॉरी मैन नहीं आएगा फिर द पुअर पुअर फाइटिंग क्यों क्योंकि दा गया पुअर से पहले ठीक हो गया अच्छा अगर तो हमने उसे सिंगलर यूज करना फिर हम कहेंगे आ पुअर वाज फाइटिंग ठीक है आ आएगा और एन आएगा सिंगलर से पहले ठीक है एन से आप देख लें कौन सा जिगी वगैरह हम बनाते हैं ठीक है <laughs> में नहीं आ रहा है खै? तो आई थिंक आपको समझ आ गई है ठीक है कि जब सिंगुलर एडजेक्टिव से पहले आ, अगर हमने एडजेक्टिव को एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करना है तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे ए या एन अगर हमने प्लुअल यूज़ करना है तो उससे पहले क्या लगाएंगे दा और इसी तरह अगर दा लगा हुआ एडजेक्टिव से पहले यानी हम उसे प्लुअल यूज करें तो आगे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा प्लुअल ही आएगा द पुअर वर्व डाइंग द पुअर वर्व फाइटिंग ठीक हो गया अ पुअर वाज फाइटिंग ठीक है तो आई थिंक होप सो समझ आ गई होगी ठीक है आगे चलते हैं एवरी अनकाउंटेबल नाउन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट अनलेस वी यूज सम डिजिट्स डिजिट्स आर लाइक विद ठीक है उसने कहा एवरी अनकाउंटेबल नाउन क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है ठीक है और जब तक हम उसके साथ क्या ना यूज करें एवरी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट अनलेस वी यूज सम डिजिट्स आर लाइक डिजिट्स ठीक हो गया के आगे इसकी मैं समझाता हूँ अगर आगे आई थिंक मैंने इसकी एग्जाम्पल लिखी हो या ना लिखी हो तो देख लेते हैं अच्छा आगे मैन एंड एवरी वुमेन ये गलत होगा अगर तो एवरी आएगा तो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन इज टॉकिंग ठीक है एवरी मैन एंड वुमेन ये भी गलत होगा मैन एंड एवरी वुमेन ये भी गलत होगा जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ ज्वाइन है एवरी का हम यूज़ करें तो हमने एवरी इधर भी लगाना है एंड से पहले और एंड के बाद भी एवरी लगाना है ठीक है और आगे क्या आगे? सिंगुलर आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज वाज ए, डू और डज सॉरी ठीक है तो आप आई थिंक समझ आगे होगी ठीक है एवरी मैन एंड एवरी वुमेन आर टाकिंग गलत होगा इस टाकिंग सही है इसी तरह एवरी मैन एंड वुमेन ये फिक्रा ही गलत है क्योंकि एवरी मैन के साथ तो आ रहा है वुमेन के साथ नहीं आ रहा इसी तरह मैन एंड एवरी वुमेन ये भी गलत है क्योंकि मैन के साथ एवरी नहीं आ रहा हम आगे एवरी का यूज कर रहे हैं तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस गलत है अच्छा आगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज कमेंडेड फॉर हिज परफॉर्मेंस ठीक है जब वन ऑफ द स्टूडेंट्स करेंगे जब वन ऑफ का यूज आएगा वन ऑफ ठीक है वन ऑफ द तो इसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा